हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक थ्रोअर। ये है एक सीसीटीवी कैमरा। तो इस वीडियो में हम एक सीसीटीवी कैमरा बनाने वाले हैं, ऐसे वाला, वो भी किससे, इस स्मार्टफोन से। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई हाई एंड स्मार्टफोन हो इस चीज़ के लिए। आप कैसा भी कोई सा भी एक स्मार्टफोन होना चाहिए, बस वो आपके जो पुराने सैमसंग के डब्बे वाले स्मार्टफोन आते थे 1 GB रैम वाले, वो भी इसमें वर्क करेगा। तो अगर आपके पास पुराना फ़ोन है तो वेल एंड गुड है, उसको फेंकना नहीं है। उसके साथ आप एक सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगा वीडियो, प्लस रिकॉर्ड भी करेगा वीडियो, और आप मतलब उसके माइक्रोफोन से भी बात भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। इस वीडियो में हम ऐप के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस रेड वाले फ़ोन को तो हमारा सीसीटीवी कैमरा बनाएंगे, और ब्लू वाले फ़ोन में हमारी सारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्लस इसमें रिकॉर्ड भी मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे आप रिकॉर्डिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो इसको हमें बनाना है सीसीटीवी कैमरा, इसमें हम देखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है। तो आ गए यार हमारे प्ले स्टोर पे। यार आपको मैं ऐप बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप ना वीडियो को पूरी एंड तक देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा इसका यूज़ कैसे करते हैं। इसमें ना काफ़ी ना कॉम्प्लेक्स ही चीज़ें हैं, आपको इसको यूज़ करना नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, आप ऐप का नाम सुन के ही मत वीडियो को कर देना या स्किप कर देना, वीडियो एंड तक देखना। और एक बात और यार, ये ना दो ऐप यूज़ होंगी, ऐप का नाम एक ही है पर दोनों फ़ोनों में अलग अलग यूज़ होंगी, तो आपको ना कन्फ्यूज़न हो सकते है किस फ़ोन में कौन सी। स्ट्रीमिंग ऐप अलग है और जो कैमरा हमें जो बनाना है वो ऐप अलग है। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो एंड तक देखना, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐप कौन सी है। आप प्ले स्टोर पर जाना, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है एट होम कैमरा। एट होम कैमरा सर्च करने के बाद जिस फ़ोन में आपको वीडियो देखनी है, जिस फ़ोन में आपको वीडियो देखनी है कैमरा की, उस फ़ोन में आपको ये इंस्टॉल करनी है रेड वाली। दो ऐप होंगी, एक तो ब्लू कलर की, एक ये ब्लू कलर की, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की एट होम कैमरा। ये तो आपको जिसको कैमरा बनाना है, जिसमें आपको देखनी है उसमें रेड कलर की, ये वाली। तो ये वाली ऐप को आपको इंस्टॉल करनी है ना, रेड कलर की ऐप को। तो उस फ़ोन में हमने इंस्टॉल कर ली वो रेड वाली जिसमें हमें देखनी है। अब ये हमारा दूसरा फ़ोन है जिसको हमें कैमरा बनाना है, तो इसमें भी हम सर्च करेंगे एट होम कैमरा। तो देखिए आपको रेड वाली ऐप खुलेगी, पर ये नहीं इंस्टॉल करनी, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। आप ये ब्लू कलर की एट होम कैमरा ऐप है ना, आपको ये वाली इंस्टॉल करनी है जिसको आपको कैमरा बनाना है। तो दोनों फ़ोनों में ऐप्स हो चुके हैं इंस्टॉल, ये कैमरा जिसको बनाना है उसमें ब्लू वाली, जिसको हमें जिसमें वीडियो देखनी है इसमें रेड वाली। तो अब मैं बताता हूँ आपको यूज़ कैसे करना है। अब हम खोल लेते हैं हमारे दोनों में ऐप्स हमारी। तो जिसको हमें कैमरा बनाना है यानी कि ब्लू वाली, सबसे पहले हम वो खोल लेते हैं। तो जिसको हमें कैमरा बनाना है यानी इस फ़ोन को हमें अपना कैमरा बनाना है, तो इसमें हमने ऐप खोली वो ब्लू वाली। तो यह लिखा है एट होम वीडियो स्ट्रीमर, तो इसको हमें अभी यहीं छोड़ देना है, इसका इतना ही काम था। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे फ़ोन पे। ये आ गया दूसरा फ़ोन, ये जो हमें रेड वाली ऐप थी, रेड वाली जिसमें हमें देखना है। तो रेड वाली ऐप हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है ना आपको, ये प्लस वाला, प्लस वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें आएंगी, ऐड कैमरा बाय CID, ऐड कैमरा बाय QR कोड, सर्च इन लोकल नेटवर्क। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका दूसरा फ़ोन है उसमें ना आपको ये एक ID प्रोवाइड करेगा और एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ID, पासवर्ड और यूज़र नेम के थ्रू आप कैमरा को ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो QR कोड के थ्रू, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे जनरेट QR कोड पे। जनरेट QR कोड पे करने के बाद एक QR कोड आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो अब हमें अपने क्या करना है, दूसरे स्मार्टफोन में जाना है जिसमें हमें वीडियो देखनी है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, तो ऐड कैमरा बाय QR कोड। ये करने के बाद ना आपका QR कोड स्कैनर आ जाएगा, तो आपको अपना QR कोड स्कैन कर लेना है यहाँ से। तो हम इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसको स्कैन कर दिया, तो ये अभी स्कैन हो गया है। अब यहाँ पे हमारा आएगा कैमरा एडिड, तो मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये मेरा कैमरा ऐड हो चुका है। इसमें ये लिखा आ रहा है इसका यूज़र नेम Android 6960 ऑनलाइन, यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन, ये कैमरा ऐड हो चुका है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना यार कि आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अगर आप बीच वाले प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव रिकॉर्डिंग प्ले होने लग जाएगी। लाइव मतलब जो भी आपका सिनेरियो, जहाँ पे भी आप कैमरा को प्लेस करेंगे वो प्ले होने लग जाएगा। रिकॉर्ड पे करेंगे तो आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, आपकी इस फ़ोन में सेव हो जाएगी। और बाकी यहाँ पे बाकी अदर सेटिंग्स आ जाती हैं, आपको क्लाउड पे सेव करना है क्लाउड पे भी आप सेव कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज पे। रेजोल्यूशन, कितना रेजोल्यूशन का, स्ट्रीम रेट, सारी पासवर्ड, सब कुछ आ जाता है। तो अभी हम फटाफट से क्या करते हैं, प्ले बटन पे क्लिक कर देते हैं।
प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, लाइव वीडियो आ गई। यहाँ पे कमाल की बात क्या है यार, यहाँ पे जो भी आप जिस फोन को, जैसे मैंने उस फोन को कैमरा बनाया हुआ है, उसकी स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी, उसकी स्क्रीन इवन ऑन ही नहीं रहेगी। आप क्या कीजिए, कोई भी पुराना फोन है, आप कैसे घिसे पिटे फोन का कैसा भी कबाड़ फोन है, आपके किसी काम का नहीं, स्क्रीन टूटी हुई है, बस कैमरा अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐप डली हुई होनी चाहिए, उसको यूज कर सकते हैं। उसमें आप चार्जर को प्लग इन कीजिए अपने फोन में और छोड़ दीजिए लगा के। मान लीजिए आपने अपने किसी भी जगह पे लगाया, आपने मान लीजिए अपने गेट के ऊपर लगाया, आपने गेट के ऊपर अच्छे से टेप कर दीजिए, चिपका दीजिए ताकि किसी को दिखे भी ना, और चार्जर लगा के छोड़ दीजिए फोन में। फोन तो पुराना ही खराब है ही आपका, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपका ये लाइव वीडियो स्ट्रीम करेगा, मैं आपको वीडियो का सैंपल भी दिखा देता हूँ ये किस टाइप की वीडियो स्ट्रीम करता है। तो आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये उस कैमरा से वीडियो आ रही है। इसमें मैं अभी आपको अपना हाथ वेव करके दिखाता हूँ इसके आगे। देखिए मैं उधर अपना हाथ वेव कर रहा हूँ, वो हाथ शो कर रहा है। देखिए देखिए मेरा हाथ उस कैमरा के सामने है पर शो इसमें कर रहा है। तो ऐसे ये चीज़ काम करती है। और अगर उसमें आप डबल टैप करेंगे तो वो स्क्रीन भी ऑन हो जाएगी। तो आप जैसा देख सकते हैं, मैं इसमें डबल टैप करूँगा तो ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी और ये लाइव वीडियो यहाँ पे ये वाली जो ये कैप्चर कर रहा है ये इस फ़ोन में भेज रहा है। तो ऐसे ये कुछ काम करता है। आपने देखा बिल्कुल बढ़िया रेजोल्यूशन में आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। म्यूट, रिकॉर्ड, हॉल टू टॉक। और अगर आप लेफ्ट में इसको स्वाइप करोगे, कलर, यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, फ्लैश, उस फ़ोन की फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं, स्विच में फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा में आप स्विच कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। अगर आप, मैं अनम्यूट कर दूंगा तो इसमें मेरी आवाज़ आएगी। देखिए मैं अनम्यूट करता हूँ तो मेरी आवाज़ रिपीट करेगा। तो जैसा मैं आप बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा, इस मेरे को सुनाई दे रहा है, आपको शायद ना सुनाई दे रहा हो, इसमें से आवाज़ आ रही है इस फ़ोन में से। तो इसका मतलब क्या है, जो उस फ़ोन का माइक आवाज़ लेगा ना, जिसको हमने कैमरा बनाया है, वो इस फ़ोन में भी सुनाई देगी आपको आवाज़। ये बहुत ही खास और इतना अच्छा फीचर लगा मेरे को इसका। और अभी मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर रिकॉर्ड, अगर मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करूँगा तो जहाँ से वो लाइव रिकॉर्डिंग आ रही है वो इस फ़ोन में मेरी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। होल्ड टू टॉक, ये यार बहुत अच्छा फीचर है, बहुत बढ़िया फीचर है होल्ड टू टॉक। इस पर आप दबा के रखोगे ना, होल्ड करके रखोगे तो उस फ़ोन के स्पीकर में आउटपुट जाएगा। मान लीजिए आपने इसको दबा के रखा और हेलो बोला तो उस फ़ोन के स्पीकर में से हेलो सुनाई देगी, जिसको आपने कैमरा बनाया। तो इसको आप लोगों को चौंका भी सकते हैं। इसको मान लो आपने गेट पे लगाया है तो कोई अगर आपके गेट के बाहर आपको दिखता है कि ऐसे सस्पिशियस सा बंदा खड़ा है, तो होल्ड टू टॉक करके आप उसको डरा धमका दो, जैसे आपको करना कर दो। तो इधर कर दीजिए। दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, क्वालिटी पर वीडियो की चेंज कर सकते हो, गुड है, लो है, हाई है। कैप्चर हाई, गुड क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, हाई में आपको थोड़ा ये परचेज़ करना पड़ेगा, बट फ्री वाला वर्जन है, आप फ्री वाला यूज़ कीजिए, मैं भी फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करेगा फ्री वाला। कैप्चर में स्क्रीन कैप्चर कर लेगा, एक स्क्रीनशॉट जो भी आपको अगर फोटो निकालनी है बीच में से। नाइट विजन यार बहुत अच्छा है मोड है इसमें, नाइट विजन, जो रात को अगर आपका फ़ोन का कैमरा है तो रात को देख नहीं पाएगा, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग से आपको नाइट विजन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको रात को भी लोगों को देख ले। तो ऐसे कुछ ही सीसीटीवी कैमरा काम करता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको हिला के थोड़ा। देखिए जैसा कि मैं इसको हिला रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रही है, मैं हिला उस फ़ोन को रहा हूँ, ये फ़ोन एकदम स्टडी है। मैं आपको अगर आपको अभी प्रूफ भी दिखा सकता हूँ इस चीज़ का, मैं आप इस फ़ोन को रख देता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन को बिल्कुल नीचे रख दिया है। तो देखिए अब मैं उस फ़ोन को मूव करूँगा, उस फ़ोन को मैं मूव कर रहा हूँ, देखिए मैं इस फ़ोन को मूव कर रहा हूँ, जो भी रिकॉर्डिंग है वो इसमें आ रही है। तो ये ऐसे रिकॉर्ड करता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी कैमरा की, इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो ऐसे आप अपने किसी भी ख़राब पड़े स्मार्टफोन को, या अगर आप किसी और स्मार्टफोन को अपना कैमरा बनाना चाहते हैं, या फ़ोन ऐसी कोई घर में पड़ा है तो आप उससे बना सकते हैं, और बहुत ही यूज़फुल ऐप है ये, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं इतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो यार ये थी आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली ऐसी मस्त टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।